जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने श्रृंखला शुरू की है। जिस भाव में ग्रह पड़ा है वहां का तो वो असर देता ही है, और जितनी डिग्री वाइज क्षमता बलाबल होगा उतना आपको असर देता है, लेकिन जिस भाव पर वो अपनी ग्रह दृष्टि डालता है उस पर भी उसका पूर्ण असर देखा गया है। बुध देवता की कल हमने बात शुरू की थी। प्रिय दर्शकों, बुध देवता अपने से सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। मान लीजिएगा अगर वो सप्तम भाव में पड़े हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अपनी पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर अवश्य डालेंगे। जहाँ ग्रह पड़ा होता है वहाँ से आपने नंबर गिनना शुरू करना है। गलती ये मत कीजिएगा कि बुध यहाँ पड़ा है तो आप 1, 2, 3, 4 शुरू कर दें। जहाँ प्लैनेट पड़ा है उसी नंबर से, उसी घर से नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ताकि आपको पता चल जाए कि उस ग्रह की दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है। कल तक प्रिय दर्शकों हमने बात की थी, बुध देवता अगर कुंडली के छठे भाव में पड़े होंगे और 12वें भाव पर दृष्टि डालकर कैसे अच्छे या बुरे फल देने में सक्षम होंगे। आइए इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करता हूँ। अगर बुध देव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में अगर कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर बुध देवता सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो सदैव अच्छा फल देने में सक्षम होंगे, क्योंकि वो एक योग कारक ग्रह बन गए हैं। आपकी लगन कुंडली कोई भी हो सकती है, मैं सिर्फ योग कारकता और मारकता की प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसको बता रहा हूँ। इसे मेष लगन की कुंडली समझने की भूल मत कीजिएगा। ये मैंने हाउसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर बुध देवता योग कारक ग्रह होकर सप्तम भाव में बैठे होंगे तो डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा और दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई बुध देवता की दृष्टि पर्सनैलिटी के लिए अच्छी, आपकी वाणी के लिए भी अच्छी, आपकी देखरेख पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी एटीट्यूड और बिहेवियर के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। जातक एक सूझवान पर्सनैलिटी बन के सामने आता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही बुध देव कुंडली के मारक ग्रह बनकर सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में विराजमान होने से अगर मारक ग्रह बनकर बैठे हैं तो सप्तम भाव को पूरी तरह डिस्टर्ब करेंगे, डेली वेजेस को भी, पार्टनरशिप को भी, दाम्पत्य सुख को भी। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि लगन भाव पर डाली तो पर्सनैलिटी में भी दिक्कत परेशानियाँ, मेंटली पीस भी डिस्टर्ब होना, आउटलुक और ज़्यादा पर्सनैलिटी में दिक्कत परेशानियाँ बुध देव दे करके जातक को इरिटेटिंग पर्सनैलिटी ही करते मिलेंगे। दर्शकों, यही बुध देव कुंडली के 8वें भाव में विराजमान हों, अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर अच्छा फल देने में सक्षम हुए तो यह बुध देव की दशा आपको टेंशन दूर करने में, मेंटली स्ट्रांग करने में, माइंड वेब मेमोरी विल पावर को अच्छा करने में, वाणी को अच्छा करने में सहायक सिद्ध होंगे। यहाँ से बुध देव ने विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, दूसरे भाव पर डाली हुई बुध देव की दृष्टि धन का आगमन करवाएगी, परिवार भी साथ देने वाला होगा और सबसे बड़ी बात, जातक की वाणी ऐसी समझदारी वाली होगी कि वो सामने वाले को इम्प्रेस करके उससे अपने काम ज़रूर निकलवा लेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत अगर बुध देव मारक ग्रह बनकर 8वें भाव में बैठे होंगे तो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑब्स्टेकल्स, ये सारी प्रॉब्लम देंगे। यहाँ से मारक ग्रह बनकर बुध देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का आगमन रोक देंगे, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा और जातक की वाणी ऐसी जातक बोल देगा जो सामने सुनने वाला कभी भी पसंद नहीं करता है। दर्शकों, यही बुध देव अगर कुंडली के 9वें भाव में विराजमान हुए और अगर वो कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर 9वें भाव में विराजमान हुए तो पिता के लिए अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा, विदेश यात्रा के लिए अच्छा, धर्म को मानने के लिए अच्छा, जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और सूझवान माना जाता है। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि डाली तीसरे भाव पर योग कारक ग्रह बन करके तो योग कारक ग्रह बनकर तीसरे भाव से डाली हुई दृष्टि भी एडवांटेज देगी, छोटे भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो भी कामयाबी भरी होंगी और जातक का जितना बाहुबल होगा वो सारा पॉजिटिविटी में तब्दील होकर उसे अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य करेगा। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, अगर 9वें भाव में बुध देवता मारक ग्रह बनकर बैठे हुए तो पिता के लिए भी दिक्कत परेशानियाँ,
भाग्य के लिए भी दिक्कत परेशानियाँ, धर्म को मानने में भी प्रॉब्लम, और विदेश यात्रा जाकर के भी जातक कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। यहाँ से जितनी दृष्टि बुद्ध देव ने तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि छोटे भाई बहन से कलह क्लेश में छुआएगी, मनमुटाव होगा, जातक की एनर्जी अननेसेसरी वो इरिटेशन में, प्रॉब्लम्स में, ऐसी सारी चीज़ों में खर्च करेगा, और जातक का पराक्रम भी अननेसेसरी होगा जो सामने वाले को भी परेशानी में ही डालेगा। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों, अगर योग कारक ग्रह बनकर नवम भाव में बैठे होंगे तो इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट, इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट। अगर मारक ग्रह बनकर नवम भाव में बैठे होंगे तो इसका भी नेगेटिव रिजल्ट और तीसरे भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। दर्शकों, यही बुध देवता कुंडली के दशम भाव में विराजमान होंगे। अगर वो कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर दशम भाव में विराजमान होंगे तो सदैव अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ, कामकाज ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ, कामकाज कमांडिंग पावर से जुड़ा हुआ, कामकाज एडमिनिस्ट्रेशन या कैलकुलेशन या अपनी वोकेबलरी से जुड़ा हुआ होगा, कामकाज ऐसी चीज़ से जुड़ा हुआ होगा जिसमें आपकी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको करके कामयाबी हासिल आप कर सकते हैं। यहाँ से बुद्ध देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में बुद्ध देवता क्योंकि योग कारक बने हैं कुंडली में तो चौथे भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत, अगर बुद्ध देवता मारक ग्रह बनकर दशम भाव में विराजमान हो, मारक ग्रह की परिभाषा ये नहीं है कि मारना इंसान को, इंसान की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा देना, इंसान कई बार मृत्यु तुल्य कष्टों को भी झेलता है उस मारक ग्रह की दशा में। अगर बुद्ध देव दशम भाव में मारक ग्रह बन के बैठे होंगे तो बुद्ध की दशा अंतरदशा में कभी जल्दी व्यापार सेटल होता ही नहीं। बुद्ध हमेशा उस जातक को मेंटली डिस्टर्ब रखता है, कामकाज में ऑब्स्टेकल, चलता चलता काम रुक जाना, टेंशन देना, अननेसेसरी सारी प्रॉब्लम्स बुद्ध देवता देते ही मिलते हैं। यहाँ से मारक ग्रह बुद्ध बनकर अगर चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में दिक्कत परेशानियाँ देते ही मिलेंगे, और जातक को जल्दी ये समझ नहीं आ रहा होता कि इतना खपने के बाद भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि बुद्ध मारक ग्रह बन के बैठे हैं तो दशम भाव को भी खराब करेंगे, अपनी सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर डालकर चौथे भाव को भी सदैव खराब करते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही बुद्ध देवता कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, 11वें भाव में बुद्ध देवता का विराजमान होना, अगर योग कारक ग्रह होकर 11वें भाव में विराजमान है तो कभी धन की कमी नहीं आने वाली, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है, हर इच्छा पूर्ण होती है, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वो चली अवश्य जाती। यहाँ से बुद्ध देवता ने योग कारक ग्रह होकर दृष्टि डाली पंचम भाव पर तो संतान सुख से परिपूर्ण, अनसर्टेन गेम्स, लवर मास में कामयाबी, माइंड मेमोरी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जातक को कॉन्फिडेंस लेवल पर लेके जाना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियाँ पंचम भाव के रिगार्डिंग देते हैं बुद्ध देवता दृष्टि डालकर 11वें भाव से, क्योंकि 11वें भाव में भी पॉजिटिव हैं तो जितनी दृष्टि पंचम भाव पर योग कारक ग्रह बन के बनी तो वहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत कंडीशन भी हो सकती है, अगर कुंडली के मारक ग्रह बनकर वो 11वें भाव में विराजमान हुए, मारक ग्रह बन के 11वें भाव में विराजमान होने से बुद्ध देवता हमेशा दिक्कत परेशानियां देते मिलेंगे, धन का अभाव बनाए रखेंगे जातक को मेंटली डिस्टर्ब रखेंगे, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचा रहेगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी लगी रहेंगी, और जातक कोई इच्छा पूरी करना चाहेगा तो वो इच्छा पूरी करने में सदैव ऑब्स्टेकल्स देते मिलेंगे। जातक को बुध की दशा अंतरदशा में जो मारक ग्रह बन के 11वें भाव में आया है उसे खपाते ही मिलेंगे। यहाँ से बुद्ध देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली मारक ग्रह बनकर तो संतान से कष्ट, संतान को कष्ट, लवर मास में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस का होना, यहाँ तक के माइंड मेमोरी विल पावर को जातक को दिक्कत परेशानियाँ देते ही मिलते हैं। जातक पूरा कॉन्फिडेंट होकर के ज़िंदगी में प्रॉपर अपने डिसीजन ले ही नहीं पाता, तो पंचम भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट और 11वें भाव संबंधी भी सारे अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट ही बुद्ध देव देते मिलेंगे।
दर्शकों यही बुध देवता कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हों। 12वें भाव में विराजमान होने से अगर बुध देवता कुंडली के विपरीत राज्यों की स्थिति में आकर अच्छा फल देने में बाध्य हुए तो बुध देव 12वें भाव संबंधी सारे अच्छे फल आपको देते मिलेंगे। विदेश से लाभ, विदेश यात्रा करना, विदेश सेटलमेंट होना, हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी ना आना, ऐसे सारे पॉजिटिव रिजल्ट 12वें भाव संबंधी बुध देवता अवश्य देंगे। लेकिन यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, छठे भाव पर डाली हुई दृष्टि बुध देवता की रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके हाउस ऑफ कंपटीशन में जातक को जितवा करके सदैव एडवांटेज देते ही मिलेंगे, क्योंकि वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में आकर एक योग कार्य ग्रह बन गए हैं और अच्छा फल देने में सक्षम हो गए। लेकिन प्रिय दर्शकों, दूसरी कंडीशन जिसकी हमेशा मैं विस्तृत जानकारी आपको साथ ही साथ देता आया कि अगर बुध देवता मारक ग्रह बनकर 12वें भाव में विराजमान होंगे और उनकी 17 वर्ष की कहीं आपकी दशा अंतरदशा चल पड़ी तो वो सदैव जातक खर्चों से ही बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। जितना मर्जी कमा ले लेकिन उसके खर्चे इतने फजूल के होते हैं कि वो अपनी अर्निंग को सेविंग में ले ही नहीं जा पाता। अर्निंग को सेविंग में ना ला कर लेके जाने की वजह से वो सदैव परेशान रहता है। मेंटली पीस का डिस्टर्ब होना, जातक के अस्पताल के खर्चे होना, विदेश यात्रा करना तो वहाँ भी प्रॉपर सेटलमेंट ना होना, ऐसी स्थितियाँ बुध देव 12वें भाव में आकर के अवश्य क्रिएट करते हैं अगर मारक ग्रह बन के आए। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट के लिटिगेशन में फंसा करके जातक की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करते मिलेंगे। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर किसी कंडीशन में विपरीत राज्यों की अगर बुध देव 12वें भाव में अच्छा फल देने में सक्षम हुए तो 12वें भाव में भी अच्छा फल, छठे भाव में भी अच्छा फल, लेकिन अगर वो मारक ग्रह बन के बैठे हुए तो 12वें भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट और छठे भाव संबंधी भी पूर्णता अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। इस बात को प्रिय दर्शकों कुंडली का विवेचन करते समय सदैव स्मरण रखिएगा कि ग्रह अगर अच्छा है तो वो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने में सक्षम है, लेकिन बुध देवता अपने से 7वें घर को भी पूर्ण प्रभावित करते हैं, उसे भी अच्छा या बुरा करने में सक्षम होते हैं। अगर योग कारक ग्रह बन के बैठे हैं तो जहाँ बैठे हैं उस घर को लाभान्वित तो करेंगे ही करेंगे अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक, लेकिन अगर मारक बन के बैठे हैं प्रिय दर्शकों तो जिस भाव में बैठे हैं उसके रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट तो देंगे ही, लेकिन जिस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव संबंधी भी पूर्ण अशुभता के रिजल्ट दे करके जातक का पूरा जीवन उथल पुथल कर देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि ग्रह कितना योग कारक है ये कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होता है और वहाँ से वो किस भाव को दृष्टि डालकर पूर्ण प्रभावित करता है ये आपको देखना होगा कि वो अच्छा प्रभाव देने में सक्षम है। अगर योग कारक ग्रह हुआ तो वो अच्छा प्रभाव अपने से 7वें घर पर पूर्ण डालता है। अगर वो मारक बन के बैठा हुआ कुंडली में तो कृपया ध्यान दीजिएगा कि अपने से 7वें घर को मार्केटों के प्रभाव में लाकर भी सदैव दिक्कत परेशानियाँ देता ही मिलता है। और प्रिय दर्शकों आप सभी जानते हैं कि हमारा ये डेली का एपिसोड हम YouTube पर अपलोड कर देते हैं, अगर आपका किसी कारणवश रह जाए तो YouTube पर जाकर देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.